Hey guys, ballpen was invented in 1888. But do you know why is it called a ballpen? तो देखते हैं, पता करते हैं, कुछ जुगाड़ करते हैं, इसको तोड़ के देखते हैं और ये पता करते हैं कि इसको ballpen बोलते क्यों हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो हमें ये देखना रहेगा कि पेन काम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे बॉल पेन्स ले लिए हैं। तो सबसे पहले एक पेन ले लेते हैं, नॉर्मल 5 रुपए वाला लेना, ताकि वेस्ट तो हो जाए तो दिक्कत नहीं है। तो एज यू कैन सी आई एम एबल टू राइट फ्रॉम दिस पेन। तो अब मैं क्या करता हूँ, आई एम टेकिंग अ प्लायर सॉर्ट ऑफ अ थिंग, आप कुछ भी ले सकते हैं, और मैंने जो इसके आगे की निब है वो तोड़ दी है, राइट। तो जुगाड़ू सर तो मुझे इसीलिए नहीं बोलते, मतलब कुछ तो करता हूँगा, तो आई डू ऑल दीज सॉर्ट्स ऑफ जुगाड्स। तो अभी मैंने क्या किया, आई हैव टेकन द निब ऑफ द पेन, वो कहीं इधर उधर खो गई है, तो वो मैं सर्च करने लग जाऊँगा। तो जैसे ही मैं इसके आगे, अब मैं इससे लिखूंगा तो इट इज़ नॉट राइटिंग प्रॉपरली, राइट, और वो लीक हो जाती है। एंड दैट यू कैन सी माई डियर फ्रेंड्स, दैट इज़ वॉट दैट अ लिटिल बॉल इज। ये ऐसा आगे का कुछ चीज़ निकल गया, राइट। अब इसको मैंने एक थोड़े से प्लकर के हेल्प से उठाया, और अभी ये जो इसके आगे की चीज़ निकल रही है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, इसको मैं और तोड़ना चाहता हूँ। बिकॉज आई एम कीप ऑन वंडरिंग कि बॉल पेन को बॉल पेन बोलते क्यों हैं, क्या इसके अंदर सच में कोई बॉल निकलती है। सो दैट इज़ व्हाट आई वॉन्ट टू नो। तो अब मैंने क्या किया, अब इसको, ये जो छोटा सा आगे का निकला है, आई वॉन्ट टू इवन स्प्लिट इट, आई वॉन्ट टू इवन अनस्क्रू इट, और मुझे देखना है कि इसके अंदर है क्या, राइट। सो लेट मी डू, एक बार मैंने फिर से इसको प्लायर की हेल्प से थोड़ा सा टिक टिक। तो गाइस, एकदम से हमने देखा कि इट इज देयर, वाओ, आई गॉट द बॉल इन द बॉल पेन, वाओ गाइस। सो दैट इज रियली इंटरेस्टिंग। 1888 में एक ऐसी चीज का आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हुआ, जो आज तक हम यूज कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड अ बॉल पॉइंट पेन। और आज पता लग रहा है कि बॉल पॉइंट पेन इज कॉल्ड अ बॉल पॉइंट पेन बिकॉज उसके अंदर रियल में एक बॉल होती है। एज यू कैन सी दिस टाइनी टाइनी बॉल ऑन द स्क्रीन, that is really a ball, right? And that is the reason the ballpoint pen is called a ball pen. अगर मैं इसकी साइंस बताऊँ आपको, तो ये ग्रेविटी पर काम करता है, ऊपर जो इंक है वो नीचे बॉल पर रोलिंग करते हुए आती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, राइट। जैसे मैं लिखता हूँ तो ये ऊपर वाली इंक नीचे चली जाती है, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली द रीज़न, अगर आपके पेपर पर कुछ ऑयल हो या स्लिपरी पेपर हो, तो वो जो बॉल है वो सही से काम नहीं करती, एंड दैट इज़ द रीज़न पेन सही से काम नहीं करता। रियली इंटरेस्टिंग, isn't it? तो अगर मैंने इस बॉल को निकाला, और मतलब आप देख सकते हो ये छोटी सी बॉल जिसके साथ अभी मैं खेल रहा हूँ, सो isn't that इंटरेस्टिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट। चंदन, बस कर जुगाड़, इतने एग्जाम आने वाले हैं। मम्मी, अनअकैडमी की आगाज सीरीज आ तो रही है, अब पढ़ाई और जुगाड़ साथ में करेंगे यार। 9th and 10th अनअकैडमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी कर लो। बॉस, मार्क्स भी लाने हैं, जुगाड़ भी करना है, लेट्स क्रैक इट टुगेदर। हे गाइस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, यूज द कोड CGLIFE एंड गेट 10% ऑफ ऑन ईदर CBSE 9th and 10th और फाउंडेशन एंड NTSC सब्सक्रिप्शन। टुगेदर वी आर गोना क्रैक इट।